ब्रेक करने का जब टाइम आता है ना गाड़ी या टोल पे हो गए हैं भाई बिस्किट लाने के लिए। ये देखो जबरदस्त थ्रो मार रही है अभी इसकी सेटिंग, लेकिन ऑक्टाविया पे खर्च करने में मजा आता है क्योंकि गाड़ी मेरा बहुत मन है अभी निकलने का घूमने के लिए, मैं तो चाह रहा हूँ वरना पूरा टायर स्किड हो जाता है भाई गाड़ी, ब्रेक मारते ही स्टेयरिंग पूरा ऐसे ऐसे वाइबल करेगा। हाई अलर्ट दे रखा है कि बारिश हैवी होने वाली है, गजब बारिश हो रही है आगे। भाई साहब ओ भाई गड्ढे खतरनाक हो रखे हैं बारिश में, कहीं पे भी टूरिस्ट को आने से मना कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग जाने वाले। वेलकम बैक टू द हाईवे गॉड। सो राइट नाउ हम लोग खड़े हैं एक प्यारी सी लोकेशन वाली शेल पे, हम लोग अभी पूना क्रॉस कर चुके हैं भाई, हर जगह हाई अलर्ट दे रखा है कि बारिश हैवी होने वाली है, सो इंडोर रहे। तो मुझे भाई फिर भी मैं निकल गया आउट आउटसाइड से, तो पुणे से अभी मैं ऑलमोस्ट बाहर आ चुका हूँ, अभी हम लोग जा रहे हैं घर। भी गाड़ी थोड़ी गंदी है यार, मुझे पूरी गंदी करनी है इसको, देखते हैं इस बार ट्राई करके। एंड इस सेल पे मैं ना डीजल भर रहा हूँ ना कुछ, बस मैं वॉशरूम के लिए रुका था यहाँ पे, क्योंकि अभी इतना डीजल है घर तक भी जा सकती है गाड़ी, तो अगले वाले सेल पे रुकेंगे वहाँ पे चाय वाय पियेंगे, हो सका तो डीजल भी भर देंगे। सो निकलते हैं अभी इस बारिश वाली ड्राइव करने के लिए। और इस पंप पे देखो यहाँ पे क्या ही गाड़ियाँ लगी है, एक फॉर्चुनर, वहाँ पे थार खड़ी है, ये तो प्यारी सी i20 एंड ये बलेनो, और यहाँ पे देखो यार पीछे क्या ही ज़बरदस्त माहौल है। गंदी हुई है गाड़ी, कुछ नहीं दिख रही भाई, कब अपनी ऑक्टाविया ऐसी गंदी हो जाएगी यार। मैंने टाइमर लगा दिया है वाइपर पे, क्योंकि यार ये बारिश नहीं भी है तो ये देखो ये जो उड़ता है ना बस है इसका, ट्रक्स का, इसके लिए वो लगा रखा है मैंने कि मतलब पानी लगते ही ना बेल्ट एंड बेरिंग से ना आवाज आती है अल्टरनेटर के बेरिंग के पास से। एंड भाई जहाँ पे मैंने सारी प्लानिंग कर रखी है ना रोड ट्रिप्स की, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी पूरा हाई अलर्ट, मतलब यहाँ पे तो आज दिया है आजकल में, ठीक है, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी दो चार दिन से पुलिस मतलब वहाँ पे टूरिस्ट को आने से मना कर रही है जहाँ पे हम लोग जाने वाले, तो सोचो वहाँ पे क्या मतलब क्वांटिटी में बारिश एंड क्या लेवल पे वहाँ पे सारा वो फैल गया है। ये एकलौती जगह है जो थोड़ी बहुत अच्छी लगती है इस हाईवे पे, एंड भाई गड्ढे खतरनाक हो रखे हैं बारिश में, कहीं पे भी एकदम से बड़ा सा गड्ढा आ रहा है, मैंने अभी कल ही अलाइनमेंट कर लिया था इसका, ठीक है, अलाइनमेंट के बाद भी ऐसे गड्ढे आएंगे तो थोड़ा बहुत तो अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा यार, एकदम बड़े से गड्ढे थे, दो तीन तो मैंने डॉज किए बट बाकी तो एक दो में जाते जाते रह गई गाड़ी। मैं पता है क्यों रुक गया यहाँ पे, क्या हुई, क्योंकि इसका ना डिस्क रोटर जैसा आवाज आ रहा है, जैसे कि प्लेट टच हो रही है अंदर, मतलब मुझे अंदर आवाज आ रही थी, ये तो आवाज खैर बेल्ट को पानी लगने से आ रही है, बट देखा मैंने चेक तो किया। अब पहुंचेंगे हम लोग पहले शेल, चाय पियेंगे भाई, चाय का टाइम देखो, ये देखो 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 गड्ढे देखो देखो भाई साहब, ओ भाई इनको बहुत मतलब बोल नहीं सकते कौन सा गड्ढा कितना डीप है यार, वो हिसाब से इसको ड्राइव करना पड़ता है। 5,000 किलोमीटर हो गए थे तो मैंने अलाइनमेंट सेट कर दिया इसका, ठीक है, पहले थोड़ा स्टेयरिंग क्रॉस था बट अभी पूरा स्टेयरिंग ऑलरेडी पूरा स्ट्रेट हो चुका है, चल रही है गाड़ी से। देखो स्विफ्ट वाले भैया को गड़बड़ देखो कितनी है, देखो 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 ये देखो भाई साहब, मैंने जैसे बोला आगे बारिश दिख रही है, तो बारिश घनी बारिश स्टार्ट भी हो गई आगे, अपने गजब बारिश हो रही है आगे, 2 मिनट की बारिश थी, ऐसी कैसी बारिश यार, बस क्लियर हो गया आसमान तो पूरा वापस, बट अंधेरा जबरदस्त छाया है। एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जब भी सस्पेंशन काम कराओगे ना या फिर रोटर चेंज कराओगे उसके पीछे की प्लेट में गैप मेंटेन करना भाई, वो क्या होता है ना कि मतलब ध्यान जाता नहीं है छोटी चीज पे, तो वो होता है डिस्क खाने वाला काम, फिर डिस्क खराब हो जाएगा, फिर ब्रेक मारते ही स्टेयरिंग पूरा ऐसे ऐसे वाइबल करेगा, सो वो मेक श्योर ध्यान रखना। लोग इतना स्पीड से आके टोल पे ही मिलते हैं, स्विफ्ट रैपिड सब लोग टोल पे रुके, वहाँ पे हैरियर भी खड़ी है, ठीक है, इतना गड़बड़ करके क्या फायदा जब आके टोल पे मिलना है सबको, बात तो सही है। पुणे में ही बारिश है इतनी, ये देखो एक और चीज देखो, बारिश में जब भी चलाते हो ना तो डिवाइडर के साइड में ना रखा करे, अभी खैर बारिश नहीं है यहाँ पे,
लेकिन डिवाइडर के जैसे नेक्सॉन जहाँ से चल रही है ना उस लेन से चला करे, ठीक है, क्योंकि यार ये कब पता नहीं यहाँ पे ओवरफ्लो पानी भर जाए और ना पूरा टायर स्किड हो जाता है भाई गाड़ी का, मतलब इम्बैलेंस हो जाती है गाड़ी और इस साइड उस साइड कहीं भी भग जाती है। सो चीज़ का ख्याल करें, जैसा ये पानी जम गया है ना तो यहाँ पे जम जाता है वो ज़्यादा। सो अगर बारिश हो तो गाड़ी को इस वाली लेन पे रखे जो लेन पे अपना हम लोग चल रहे हैं। लो जी पहुंच गए शेल, डीजल भरा मैंने ऑलरेडी, ठीक है। गाड़ी यार गंदी होती ही नहीं है, कितना भी इसको पीसो कितना भी कीचड़ में चलाओ, जैसी थी वैसी ही वैसी ही है, काफ़ी रहती है तो भी अच्छा ही है, ज़्यादा वो नहीं है टेंशन अपने को। सो अब जाएंगे और पियेंगे चाय, और चाय पी के तुरंत निकलेंगे, इतना तो कन्फर्म है, घर जाने तक रात हो जाएगी। फटाफट चाय पीते हैं अपनी मसालेदार एकदम, बाहर बैठते हैं गार्डन में आके कोई बिस्किट उस्कुट भी लेते हैं। मेरा बहुत मन है अभी निकलने का घूमने के लिए, मैं तो चाह रहा हूँ कि अभी निकलूँ, बट यार कुछ चीज़ें प्लानिंग की है तो वही हिसाब से चलना ही बेटर होता है। बट टायर में यार ये स्क्वायर नहीं पैदा होना चाहिए, टायर राउंड चलना चाहिए। चलो ठीक है कोई नहीं, देखते क्या हाल है भाई, चाय पिलाओ ना यार। कोड़ा का किचन सर मंगा ही नहीं रहे, बता नहीं क्यों। होंडा हुंडई फॉक्स वैगन सुजुकी एंड ऑल किया, ये वाला भी फॉक्स वैगन। स्कोडा का मंगाओ सर, स्कोडा का मंगाओ। अच्छा ठीक है। बिस्किट यार यूनिबिक का छोटा वाला पैकेट ढूंढ रहा हूँ मैं, इनके पास नहीं है। मसाला चाय तो बन के रेडी है बट बिस्किट अवेलेबल नहीं है, तो बिस्किट अवेलेबल हो रहा है, गए हैं भाई बिस्किट लाने के लिए। ये देखो भाई क्या भाई आ रही है, प्यारे से फूल पड़े दो यहाँ से निकल के, एंड यहाँ पे गाड़ी खड़ी है। जो मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे चाय पीने का, शांति है भाई शांति। गाड़ी का इंजन भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा यार, पीस रहा हूँ मैं इसको, रुका ही नहीं हूँ वहाँ से, वो शेल से डायरेक्ट ये शेल पे रुका हूँ अभी। हो लिए फ्रेशन अप, चाय वाय डीजल सब कुछ हो गया अपना शेल पे। क्या क्लाइमेट है यार, देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। ठीक है चलो निकलते हैं, अभी सब कुछ हो गया, बस बिल देना बाकी है, बिल देके निकलते हैं भाई। 4 घंटे अगर लग रहे हैं कहीं पर जाने के लिए, 5 घंटे पकड़ के चलता हूँ मैं उसको, कि कहीं ब्रेक वेक होते हैं तो फिर वो नहीं रहता कि माइंड प्रेशर की इतने टाइम में पहुंचना है। नहीं 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 देखो कैसी गंदी हो रखी है ये, हर कंपार्टमेंट में सामान पड़ा है इसके, इतना सामान पड़ा है ना वो सब सारा बज रहा है। अभी जाके सारा सामान निकालूंगा और एक जुगाड़ करना है मुझे, ये सारे कंपार्टमेंट में ना कॉटन डालना है कि वो आवाज़ ना करे। सच्ची एक बात है कि ऑक्टाविया ना कितना भी खर्च करो, मतलब फिर उसके बाद जब गाड़ी रोड पर चलती है ना ऐसे लगता है यार रहन दो यार, होन दो खर्च, ठीक है। अगर हम मान लो आप दूसरी गाड़ियों पे खर्च करोगे ना रिग्रेट होगा, होगा ही होगा, लेकिन ऑक्टाविया पे खर्च करने में मजा आता है, क्योंकि गाड़ी चलाने के बाद जो फील आता है ना सही में यार ऐसा लगता है यार इसके जैसी गाड़ी बनी नहीं है। और जो जेन्यून शौकीन आदमी होते हैं ना वही लोग इस पे खर्च कर रहे हैं और इसको चला रहे हैं, कंप्लेन नहीं कर रहे कि भाई ये ऐसी वैसी है, ठीक है। शायद यहाँ पे आपको लाइट समझ आ जाए, देखो थ्रो अच्छा मार रही है यार, स्टॉक लाइट है कुछ नहीं है इसमें, ये देखो जबरदस्त थ्रो मार रही है। अभी इसकी सेटिंग मतलब डाउन है, अप करते हैं तो और ऊपर जाता है इसका फोकस, मतलब स्विच लेवलर स्विच से आप और इसका सेटिंग कर सकते हो, बट मेक श्योर वो लेवलर स्विच ऑन हो। तो लाइट तो है देखो, इतना मुझे बस है फिर भी मैं इसको फॉग लाइट लगाऊंगा, क्योंकि पहाड़ों में जाना है मुझे तो साइड थोड़ा बहुत डीप और दिखना चाहिए, तो इसके लिए और लाइट लगाऊंगा मैं इसमें। लास्ट टोल है अपना, ठीक है चलो क्रॉस करते हैं इसको भी अभी। और हाँ आप जब ये गाड़ी स्लो करते हो, वाह सुपर, जब आप गाड़ी स्लो करते हो ना तो वेट 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 वेट, ब्रेक करने का जब टाइम आता है ना गाड़ी या टोल पे हो या कहीं पे भी हो, तो एक ही टैप में ब्रेक करना भाई, सेकंड टैप मत करना इसको, मतलब एक बार नहीं लग रहा है ऐसा लगा और दूसरी बार तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जो भी है फर्स्ट टाइम है उसके बाद सेकेंड टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं प्रेस होगा इसका ब्रेक, क्योंकि बहुत से लोगों के मुझे मैसेज आया कि ब्रेक इशू आता है इसका, तो ब्रेक इशू बीमारी है इसका वैक्यूम को लेके, तो एक ही बार में दबा दे जितना रुक जाएगी, मतलब पूरा रुकती ही है गाड़ी एक ही बार में ख़त्म हो जाता है इसका, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई गाड़ी रुकती नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। देखो आसमान कितना साफ सुथरा लग रहा है यहाँ पे, मतलब वहीं पे हाई अलर्ट है बाकी कहीं पे हाई अलर्ट नहीं है, सो राइट नाउ वी आर सेफ। पहले भाग जाता हूँ भाई मैं पानी जहाँ पे जमा हो रहा है, अपनी गाड़ी का ग्राउंड पहले ही कम है और कहाँ पे फंसेंगे गाड़ी लेके जाके यहाँ।
पहुंच ही गए, मस्त चली गाड़ी एंड कोई आवाज़ अब नहीं आ रही है। जो मिस आवाज़ हो रही थी ना वो चूँ 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 आवाज़ बंद हो गई, मतलब वो पानी लगता है ना बिल्ड पे तब आवाज़ आती है इसकी। गाड़ी फिर भी गंदी नहीं हुई, अपनी पार्किंग वहाँ पे है, बट एक बार लास्ट टाइम चूहों ने इसकी वायर काट दी थी लाइट की, तो मैं भाई लगा ही नहीं रहा उधर, यहीं पे रहेगी गाड़ी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जस्ट एक ट्रायल वीडियो था, मेन अभी ट्रैवल बाकी है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे हैप्पी, टाटा बाय बाय।